इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती को किससे है खतरा? बहन जी ने क्यों कहा मेरा दफ्तर नहीं है सुरक्षित? शिफ्ट करे सरकार, मायावती को कौन डरा रहा है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच वर्षों बाद एक बार फिर से रिश्ते तल्खी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इंडिया गठबंधन को साफ कर चुके हैं कि बसपा से गठबंधन होने की सूरत में वह साथ नहीं रहेंगे, वहीं दूसरी ओर मायावती भी अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी हैं। पिछले दो दिनों से मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वह अचानक से स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने लगी हैं और बसपा कार्यालय की सुरक्षा को लेकर अनहोनी की आशंका जता रही हैं। सवाल यह है कि जिस गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर उन्होंने अखिलेश डिंपल को मंच पर आशीर्वाद दिया था, मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा किया था, वह फिर कैसे याद आ गया? क्या वाकई मायावती को खतरा लग रहा है? पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जोरदार वापसी से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही सिमटा होता था। 90 के दशक से लेकर 2012 तक के विधानसभा चुनाव गवाह हैं कि दोनों पार्टियों को इसका लाभ भी मिला। दोनों ही दलों ने इसी आपसी विरोध के चलते कई बार गठबंधन सरकार और एक एक बार बहुमत की सरकारें भी बनाई। सवाल ये है कि क्या पुरानी प्रतिद्वंदता फिर से जिंदा होने का लाभ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? हाल के कुछ घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहानी वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पहल पर मायावती ने गठबंधन की हामी भरी। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और 15 सीटें लोकसभा की जीती। इनमें से 10 सीटें बसपा के खाते में गई, वहीं अखिलेश को सिर्फ 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव के बाद मायावती ने ये कहकर गठबंधन से किनारा कर लिया कि बसपा के वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बसपा प्रत्याशियों को नहीं मिला। हालांकि हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। बहरहाल मायावती के गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को जोड़ने के लिए बड़े प्लान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बसपा के ही कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किया। आज अखिलेश यादव पीडीए प्लान यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में एक और बात हुई। इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती और चुनाव परिणाम में मुस्लिम वोटरों का एक तरफा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिया। ये बड़ा बदलाव था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों की ही ताकत मुस्लिम मतदाता रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बसपा को तगड़ा झटका लगा। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो दिसंबर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। यहां अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की कवायद होती है तो समाजवादी पार्टी भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती। पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो अखिलेश की रणनीति साफ दिख रही है। वह पीडीए के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में वह बसपा से गठबंधन का खामियाजा उठा चुके हैं। अब वह दोबारा बसपा से करीबी के मूड में नहीं है। वह दोबारा किसी गठबंधन से बच रहे हैं जिसमें बसपा और समाजवादी पार्टी साथ हों। वहीं दूसरी ओर मायावती के लिए चिंता की बात यह है कि बसपा इस समय राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। पार्टी के कई दिग्गज नेता उनसे दूर हो चुके हैं। 2019 में जीते सांसद भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। बसपा की ताकत माने जाने वाले दलित वोट बैंक पर 2017 के बाद से बीजेपी बड़ी सेंध लगा चुकी है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी पार्टी से मुंह मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मायावती का ये स्टेट गेस्ट हाउस की यादें ताजा कराने की दांव कितना चलेगा ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।